प्रचार प्रमुख आदरणीय अरुण कुमार जी मूलतः दिल्ली के निवासी हैं। स्नातक अभियांत्रिकी शिक्षा हुई है। हरियाणा के प्रचारक रहे, जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रहे। अभी गत वर्ष की प्रतिनिधि सभा से अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का दायित्व है। वर्तमान में आप का केंद्र भोपाल है। दूसरा परिचय, श्रीमान नरेंद्र जी ठाकुर मूल हिमाचल प्रदेश से हैं। पत्रकारिता में मास्टर डिग्री किया है। 1992 से प्रचारक हैं। उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र प्रचार प्रमुख रहे। 2017 से सह प्रचार प्रमुख अखिल भारतीय दायित्व है। वर्तमान में आपका केंद्र पटना। तीसरा परिचय, श्रीमान नरेंद्र जी जैन मूल सागर से हैं। अपने छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचार प्रमुख रहे। अभी अपने क्षेत्र के मध्य क्षेत्र के प्रचार प्रमुख का दायित्व है। आपका केंद्र भी भोपाल है। आज मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा अपना विषय प्रस्तुत करें। अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये एक प्रकार का कर्टन रेजर या बैठक की जानकारी देने वाला ये प्रेस ब्रीफिंग का कार्यक्रम है। 8, 9 और 10 मार्च को अपनी ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ग्वालियर में होने वाली है। वर्ष में एक बार ये बैठक होती है और संघ की ये निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। सामान्यतः वर्ष भर जब विचार चलता है, चिंतन चलता है, तो आगे के सब निर्णय जो भी होने होते हैं इस बैठक में होते हैं। अपनी इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लगभग 1400 कार्यकर्ता ये अपेक्षित हैं। अखिल भारतीय कार्यकारिणी देश में संघ के 11 क्षेत्र है, जोन है, उन क्षेत्रों की कार्यकारिणी, फिर संघ की दृष्टि से 42 प्रांत है, 42 प्रांत है, उन प्रांतों के माननीय प्रांत संघचालक, कार्यवाह प्रचारक और कार्य विभाग प्रमुख। इसके अतिरिक्त देश भर के विभाग प्रचारक निमंत्रित सदस्य के रूप में इस प्रतिनिधि सभा में रहते हैं। इसके अतिरिक्त समाज जीवन के विविध संगठनों में काम करने वाले ऐसे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता स्वयंसेवक के नाते निमंत्रित सदस्य के रूप में वो भी इस बैठक में उपस्थित रहते हैं। अपने इस बैठक का संचालन माननीय सरकारेवा जी द्वारा होता है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के मार्गदर्शन में ये बैठक चलती है। इसके अतिरिक्त इस सारे में जो महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है वो अखिल भारतीय प्रतिनिधियों की रहती है। देश के अंदर 3 वर्ष में एक बार अपने यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया रहती है और 2000 सक्रिय स्वयंसेवकों के ऊपर एक प्रतिनिधि, ऐसा प्रतिनिधि का चुनाव ये होता है। एक 500 के लगभग प्रतिनिधि भी सारे देश भर से ऐसे वहां पर यहाँ पर बैठक के अंदर उपस्थित होने वाले हैं। अपनी ये जो बैठक है अपने संघ के वर्ष भर के कार्यक्रम के अंत में होती है, यानी वर्ष प्रतिपदा से वर्ष का प्रारंभ होता है, तो वर्ष प्रतिपदा के पूर्व सामान्यतः ये बैठक रहती है। इस बैठक के अंदर पूरे वर्ष भर में संघ का कार्य का विस्तार कितना हुआ, गत वर्ष हमने जो योजना बनाई थी उसका क्रियान्वयन कैसा हुआ, अपने स्वयंसेवकों के गुण विकास की दृष्टि से और कार्य के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से किस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में काम हुआ, इसकी दृष्टि से अनुभवों का आदान प्रदान और वर्ष भर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम उपलब्धियों इसका भी चिंतन रहता है। देश भर में संघ के अखिल भारतीय अधिकारी प्रवास करते हैं, उनके अनुभवों का आकलन भी सबके सामने रखा जाता है। इसके अतिरिक्त आने वाले साल के अंदर आने वाले कार्यक्रमों का विचार
कार्य विस्तार की योजना, इसका भी संकल्प किया जाता है। प्रतिवर्ष संघ के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की दृष्टि से और मई जून के महीने में, अप्रैल मई जून के महीने में सारे देश में संघ रिक्षा वर्ग होते हैं। उन सारे संघ रिक्षा वर्गों में होने वाले प्रवास, वर्ष भर के कार्यकर्ताओं के प्रवास, इसकी भी योजना यहाँ पर ये बनती है। ये सारे संगठनात्मक विषयों के साथ साथ अपने देश का जो वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो परिदृश्य रहता है, राष्ट्रीय परिदृश्य रहता है, मुख्यतः ऐसे सामाजिक राष्ट्रीय परिदृश्य का भी चिंतन होता है। इस सारे को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये भी किए जाते हैं। आने वाले वर्ष को ध्यान में रखते हुए कुछ वक्तव्य भी करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे सारे बातों का चिंतन अपनी इस बैठक में रहता है। ये तीन दिन की बैठक से पूर्व कल अपना अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल आएगा, जिसके अंदर ऐसे तीनों दिन के सब विषयों का विचार और निर्णय ये किया जाएगा। बैठक के अंदर आप सब लोगों को बैठक के विषयों की जानकारी के लिए और अपना वर्ष भर के कार्य का प्रतिवेदन देने के लिए 8 मार्च को सुबह अपनी प्रेस की ब्रीफिंग रहेगी। प्रातःकाल 8:30 बजे 8:30 पर अपनी ये बैठक प्रारंभ होगी और सुबह एक बार सब फोटोग्राफर्स को अंदर फोटो खींचने के लिए भी बुलाया जाएगा, तो 8 बजे वो सब लोग आ जाए। तुरंत उस बैठक के प्रारंभ होने के बाद फिर अपनी प्रेस ब्रीफिंग रहेगी। 9 मार्च को शाम को कुछ प्रस्ताव आदि जो पारित होंगे उनकी जानकारी देने के लिए भी करेंगे और फिर 10 मार्च को माननीय सर कार्यवाही हमारे साथ पत्रकार वार्ता में बैठक के बारे में जो कुछ हुआ 3 दिन का उस सबकी जानकारी और विभिन्न विषयों पर आपके मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर के लिए अधिकृत रूप से वो पत्रकार वार्ता को भी संबोधित ये करेंगे। ऐसा अपना बैठक का सारा संचालन ये होने वाला है। एक बार हम सब लोगों के ध्यान में आ जाए कि बैठक का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार के कार्यकर्ता आने चाहिए और हम सब लोगों से जो एक अपेक्षा है इस सारे में से, तो 8 मार्च को अपनी इस प्रातःकाल की प्रेस ब्रीफिंग में 9 मार्च की सायंकाल को फिर एक बार जब प्रस्ताव आदि जारी करेंगे और 10 मार्च को अपने फिर माननीय सर कार्यवाही द्वारा विधिवत पत्रकार वार्ता में अपने मन में जितने भी तरह के विषयों के लेकर जिज्ञासा है उसके वो उत्तर ये देने वाले। इस बैठक के संबंध में आपके मन में कुछ जानने की इच्छा हो, कुछ पूछने की इच्छा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, किस तरह के एजेंडे हैं अभी जो इतने दिनों से चल रही है, किस तरह के एजेंडे तैयार किए हैं? मैंने बताया ना आपको कि वैसे सारी बातों की विधिवत जानकारी परसों सुबह ही हम दे पाएंगे, क्योंकि कल कार्यकारी मंडल में विचार होगा सारा। उसमें से अपना इसमें कुछ तो स्थायी विषय रहते हैं, आगामी वर्ष के कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं के प्रवास, प्रशिक्षण, ये सारी बातों की योजना और फिर सामान्यतः सारे देश के कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं तो वर्तमान सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय परिदृश्य का विचार, ऐसा सब रहे। अभी जो देश के हालात है मौजूदा उसको लेकर भी इसका चिंतन हो सकता है इस पर भी? देश जो अभी समझ रहे होंगे आप, जो अभी पुलवामा में अटैक हुआ, जो एयर स्ट्राइक, उसके बाद जो हालात बने हुए हैं तो उसको ये इस बैठक में कहीं ना कहीं वो मुद्दे भी एक चिंतन के तौर पर, मंथन के तौर पर है। सामाजिक राष्ट्रीय परिदृश्य के संबंध में जितने भी प्रकार के विषय है अपने सीमित समय के अंदर उसका चिंतन होगा। कुछ बातें माननीय सर कार्यवाही प्रतिवेदन में भी कहेंगे, कुछ बात में आपको उसको संकेत भी देंगे सारे। अमित शाह जी आ रहे हैं तो क्या लोकसभा चुनाव वाला मामला भी रहेगा क्या? ऐसा है कि अपने यहाँ इस बैठक के अंदर इस प्रकार के चुनावों को लेकर चर्चा नहीं होगी। सामान्यतः देश के परिदृश्य का चिंतन ये होगा, उनका आना कितना समय हो पाएगा और बाकी बैठक के विषय इतने अधिक है, यानी सब प्रांतों का कार्यों का निवेदन, पिछले साल की समीक्षा वो इतनी अधिक रहती है, प्रस्तावों की चर्चा, तो इन सब बातों का कोई बहुत ज्यादा विचार नहीं होगा। तो लोकसभा चुनाव आदि का कोई विचार ऐसा नहीं। बैठक के कुछ ऐसे विषय जो मुख्य विषय है जो बता सकते हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि आपको हम परसों सुबह सारी जानकारी देंगे, प्रस्ताव कौन कौन से आएंगे। सामान्यतः कल हम अपना एजेंडा फाइनल करेंगे।
तो सर अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या क्या उनका वो रहेगा, कौन से प्रोग्राम में रहेंगे, थोड़ा सा बताइए। अभी जानकारी मुझे नहीं है कब आएंगे वो, अभी उन्होंने भी निर्णय नहीं किया। आईबी को सबको पता है 9 तारीख को आ रहे, पहले 8 तारीख को हो रहा था, फिर 9 तारीख को। अभी अभी आने तो दीजिए आप। अभी अभी कौन कौन आ चुके अभी तक? अभी केवल अपने जो संगठनों के अखिल भारतीय सब कार्यकर्ता प्रमुख है वो आ चुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में रामलाल जी कल आ गए थे, वो आज जाने वाले हैं, ऐसा वो है। बाकी सबका भी कोई जानकारी नहीं, बाकी सब संगठनों के प्रमुख लोग हैं। विश्व हिंदू परिषद के अपने मिलिंद परांडे हैं, विनायक जी हैं उसमें से, अपने मजदूर संघ के विद्यार्थी परिषद के सुनील अंबेकर जी हैं, ऐसे सब प्रमुख कार्यकर्ता। सर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये आरएसएस की जो बैठक है बहुत कई मायनों में बहुत अहम है, बहुत बड़ा रोल भी निभा सकती है। कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि की बैठक प्रतिवर्ष मार्च में होती है और चुनाव जो है वो मई में होना जो है वो निश्चित जो है पिछले 3-4 बार से हुआ है। मुझे लगता है कि चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए, इतने वर्ष बाद इतना तो संघ की कार्य पद्धति को हमें ध्यान में आ जाना चाहिए। चुनाव से जोड़कर बैठक को देखेंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा। लेकिन सर कई बार कोई भी प्रस्ताव विषय ऐसा नहीं आएगा जिसमें से इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के आप कुछ अर्थ निकाल सके, इस पर आप निश्चिंत रहिए। एग्जाम आने वाले हैं। चलिए और कुछ विषय आप लोगों के हो तो बैठक के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो। विश्व हिंदू परिषद का मामला आया था तो राम मंदिर का मसला बहुत अहम है, तो वो भी आएगा क्या बैठक में? मैं बताया ना भैया जी, आपको पत्रकार वार्ता में विधिवत उत्तर देंगे, वो दिन की बात है। आप सब प्रश्न उनके उत्तर के लिए पूछेंगे नहीं, जरा सा कटावेश बन जाए सर, कटावेश नहीं बन पाए। अरे और क्या जाएगा सब बैठे हुए निकल गए, अभी तो बोलते बोलते सब हो गया। आपके क्या आठ तारीख को प्रातः 8 बजे अपने सभी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर उपस्थित हो और 8:20 तक आप सब लोग भी सादर आमंत्रित हैं। माननीय मनमोहन जी रहेंगे सर, माननीय सह सरकारवा मनमोहन जी वैद्य उसमें रहने वाले हैं, तो शेष बात आप जो करना चाहेंगे उस दिन ब्रीफिंग में मिलेगी आपको। अभी तत्काल ले जाएंगे आप सब लोगों के चाय और जलपान की व्यवस्था इसके पीछे है। इसके पीछे धन्यवाद।